तो लाइफ प्रोसेस चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमको ये पता होना चाहिए कि लाइफ क्या है, मतलब कौन सी चीज़ को हम लाइफ कहेंगे, यानी कौन सी चीज़ लिविंग है और कौन सी नॉन लिविंग है। हिंदी में कहूँ तो कौन सी वस्तु सजीव की कैटेगरी में आएगी, कौन सी निर्जीव की कैटेगरी में आएगी। तो ऐसे कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी ऐसे कौन से क्राइटेरिया हैं जिसकी वजह से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को लिविंग की कैटेगरी में रखते हैं या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट को नॉन लिविंग की कैटेगरी में रखते हैं। तो सबसे पहले लाइफ को समझते हैं कि लिविंग क्या है और नॉन लिविंग क्या है। यानी कि जब तक हम लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे, तब तक हम कैसे पता लगा पाएंगे कि कोई भी ऑर्गेनिज्म लिविंग है या नॉन लिविंग है, यानी लाइफ है क्या बेसिकली, सबसे पहले ये समझना होगा। ठीक है, तो देखिए लिविंग को बताने के बहुत सारे तरीके हैं कि हम लिविंग और नॉन लिविंग में डिफ्रेंशिएट कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले जो हम बताते हैं कि लिविंग बींग्स क्या करती हैं, मूवमेंट करती हैं। पहला तरीका ये हो जाता है कि हम ये कह सकते हैं कि लिविंग बींग्स मूवमेंट करती हैं। क्या सारी की सारी लिविंग बींग्स मूवमेंट करती हैं? एक क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि जितनी भी लिविंग बींग्स हैं क्या वो सारे के सारे मूवमेंट करेंगे? बताइए, क्या सारे के सारे लिविंग बींग्स मूवमेंट करेंगे? या फिर मैं ये कह सकता हूँ कि जो नॉन लिविंग से वो मूवमेंट ही नहीं करेंगे। आपने साइकिल बाइसाइकिल जितने भी व्हीकल्स देखे वो भी तो मूवमेंट करते हैं, तो इसका मतलब क्या वो लिविंग है? नहीं है। यानी कि अगर मैं मूवमेंट के क्राइटेरिया को लूँ, कि मैं मूवमेंट के क्राइटेरिया को ले रहा हूँ और मूवमेंट के क्राइटेरिया से डिफ्रेंशिएट करना चाह रहा हूँ दोनों के बीच में, कि अगर मूवमेंट करेंगे तो लिविंग होंगे और मूवमेंट नहीं करेंगे तो लिविंग नहीं होंगे, तो वो क्राइटेरिया गलत होगा, समझे? क्योंकि बहुत सारे लिविंग ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो मूवमेंट ही नहीं करते। पेड़ पौधों की हम बात करें तो अपनी एक जगह पर रहते हैं, स्थिर एक जगह पर, लेकिन फिर भी वो कैसे हैं? लिविंग है। नॉन लिविंग की बात करें, जितने भी व्हीकल्स हैं सब मूवमेंट करते हैं, पत्थर को तुम फेंक दो मूवमेंट करेगा। तो बहुत सारे नॉन लिविंग कैसे हैं जो मूवमेंट कर रहे हैं लेकिन वो लिविंग नहीं है। तो अगर मूवमेंट के क्राइटेरिया को लिविंग बींग का क्राइटेरिया माना जाए तो वो क्या होगा? गलत होगा। ठीक है, तो यानी मूवमेंट का क्राइटेरिया गलत है। मूवमेंट के क्राइटेरिया से अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता कि कोई भी चीज़ लिविंग है या नॉन लिविंग है। और कोई क्राइटेरिया बताओ आप, कैसे अंदाज़ा लगाया जाएगा कि कोई भी लिविंग है या नॉन लिविंग है? रेस्पिरेशन। ठीक है, रेस्पिरेशन जैसे हम कहते हैं श्वसन, यानी कि आपके अकॉर्डिंग रेस्पिरेशन को हम क्राइटेरिया मान सकते हैं कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सारे के सारे रेस्पिरेशन करेंगे और जितने भी नॉन लिविंग्स हैं वो रेस्पिरेशन नहीं करेंगे। तुम्हारा क्या मानना है इस बारे में कि क्या ये सही है? सही है। यानी कि जितने भी रेस्पिरेशन को बेसिकली हम डिफाइन कैसे करेंगे, रेस्पिरेशन क्यों किया जाता है? रेस्पिरेशन का मतलब है ऑक्सीजन को बॉडी के अंदर लेना। ठीक है, रेस्पिरेशन क्या है कि रेस्पिरेशन देखो एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। अगर आप रेस्पिरेशन से सिर्फ समझ रहे हैं कि सांस लेने को हम रेस्पिरेशन कहते हैं तो सिर्फ सांस लेने को ही रेस्पिरेशन नहीं कहते। सांस लेने की प्रोसेस को तो हम कहते हैं ब्रीथिंग। क्या? ब्रीथिंग कहते हैं सांस लेने की प्रोसेस को। फिर ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन में क्या अंतर है? ब्रीथिंग में हमने जो ऑक्सीजन अपने अंदर ली, इस ऑक्सीजन से क्या होगा? हमारा जो फूड है उस फूड का होगा ऑक्सीडेशन। फूड का क्या होगा? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्यों होगा? क्योंकि जो फूड हमने लिया है वो लिया है कॉम्प्लेक्स फॉर्म में। ठीक है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिया है। अब इस कॉम्प्लेक्स फॉर्म को हमको सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। कॉम्प्लेक्स फॉर्म को सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करना, जो फूड है ये आपका कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिया है हमने। ठीक, इसको कन्वर्ट करना है सिंपलर फॉर्म में। क्यों? क्योंकि बॉडी जो है एब्जॉर्व करेगी हमारी फूड में से, वो सिंपलर फॉर्म को ही एब्जॉर्व करेगी, कॉम्प्लेक्स फॉर्म को एब्जॉर्व ही नहीं कर पाती। सिंपलर फॉर्म का क्या मतलब है? कार्बोहाइड्रेट विटामिन्स मिनरल्स फैट्स, इस फॉर्म में वो उनका टूट जाना चाहिए, तब उस चीज़ को बॉडी क्या कर लेगी? एब्जॉर्ब कर लेगी। लेकिन हम सीधा कार्बोहाइड्रेट तो लेते नहीं है कि सीधा कार्बोहाइड्रेट खा लें, है ऐसी चीज़ तो लेते नहीं है ना, तो हम लेते हैं कॉम्प्लेक्स फॉर्म। तो इस कॉम्प्लेक्स फॉर्म को सिंपलर फॉर्म में तोड़ने के लिए हमें एनर्जी चाहिए। ठीक है, और वो एनर्जी कहाँ से मिलती है? ये ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन, इस फूड का ऑक्सीडेशन होगा। और ऑक्सीडेशन कौन कराएगा? ये ऑक्सीजन कराएगी। तो ऑक्सीजन का यूज होना किसके लिए? ऑक्सीडेशन के लिए। इसको कहते हैं रेस्पिरेशन। ठीक है, तो रेस्पिरेशन में दोनों प्रोसेस हैं, ब्रीथिंग प्लस ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। (clears throat)
यानी कि ब्रीथिंग भी होगी और ऑक्सीडेशन ऑफ फूड भी होगा। अब ये दोनों प्रोसेस नॉन लिविंग बींग्स के अंदर नहीं होते, तो हम मान सकते हैं कि रेस्पिरेशन एक क्राइटेरिया है जिसके बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं दो चीज़ों के बीच में कि हाँ ये लिविंग है या नॉन लिविंग है। ठीक है, अब समझ में आ गया कि कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सिंपल फॉर्म में क्यों कन्वर्ट करना है, क्योंकि बॉडी कॉम्प्लेक्स फॉर्म को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी, सिंपल फॉर्म को एब्जॉर्ब करेगी, और इसके लिए हमें एनर्जी चाहिए। एनर्जी कहाँ से मिलेगी, जब फूड का ऑक्सीडेशन होगा, और फूड के ऑक्सीडेशन के लिए हमें ऑक्सीजन चाहिए, और ऑक्सीजन कहाँ से लेते हैं, ब्रीथिंग की वजह से ऑक्सीजन लेते हैं। इन दोनों प्रोसेस को मिलाकर रेस्पिरेशन कहते हैं। ठीक है, तो अब कोई पूछे रेस्पिरेशन क्या है, तो सिर्फ सांस लेना ही रेस्पिरेशन नहीं है, जो सांस में हमने ऑक्सीजन ली है उसका यूज होना, यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन होना और ब्रीथिंग होना, इन दोनों प्रोसेस को रेस्पिरेशन कहा है। चलो एक क्राइटेरिया हो गया आपका रेस्पिरेशन, जिसके बेसिस से हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं दो चीज़ों के बीच में कि लिविंग है या नॉन लिविंग है। आगे और कोई क्राइटेरिया कौन सा, ग्रोथ, एक क्राइटेरिया है ग्रोथ। ठीक है, अब इन्होंने कहा है कि ग्रोथ को हम क्राइटेरिया मान सकते हैं कि ये लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में डिफ्रेंशिएट बता सकता है, डिफरेंस करके बता सकता है। तो आप लोगों ने जो अब तक ग्रोथ के बारे में सीखा होगा, ग्रोथ का मतलब होता है बढ़ना। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं, देखिए ग्रोथ को हम क्राइटेरिया नहीं लेते हैं, क्यों नहीं लेते हैं? इसके पीछे की वजह जानिए कि जो ग्रोथ है, जैसे आपने देखा कि अपने घर के आसपास आपने पहले दिन देखा कि कूड़े का छोटा सा ढेर लगा हुआ है। ठीक है, आपने एक महीने बाद देखा वही कूड़े का ढेर आपका बड़ा हो जाता है, यानी कि ग्रोथ तो इस कूड़े के ढेर में भी हुई है। ठीक है, पर्वत पहले छोटे होते हैं फिर बहुत बड़े हो जाते हैं। ठीक है, या फिर कहीं पे क्या हो जाता है, सॉयल एरोजन हो जाता है, तो वहाँ से क्या हो जाएगा, हम यही कहेंगे ना, एक तरह से ग्रोथ कम हो गई वहाँ की। तो ग्रोथ को हम क्या है कि लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में क्या नहीं कर सकते, क्राइटेरिया नहीं मान सकते। लेकिन हाँ, ग्रोथ का एक पॉइंट है कि ग्रोथ है आपकी दो टाइप की, एक है एक्सटर्नल ग्रोथ और एक है आपकी इंटरनल ग्रोथ। एक्सटर्नल ग्रोथ और इंटरनल ग्रोथ, तो ये वाला जो मैंने एग्जांपल दिया है ये है एक्सटर्नल ग्रोथ का एग्जांपल। ठीक है, और जो इंटरनल ग्रोथ, जो लिविंग बींग्स के अंदर ग्रोथ होती है, लिविंग बींग्स के अंदर यानी कि जो सेल्स होती हैं, हमारी सेल डिवाइड करती हैं, टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से क्या होता है, बहुत सारे टिश्यू बनेंगे तो बॉडी का ऑर्गन बनेगा, और बहुत सारे ऑर्गन मिलकर बॉडी का सिस्टम बना लेते हैं, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसमें क्या है कि बहुत सारे ऑर्गन यूटिलाइज होते हैं, काम में आते हैं। तो इंटरनल ग्रोथ क्या होती है कि जब किसी लिविंग बींग की सेल्स डिवाइड करती हैं तो उसे कहते हैं हम इंटरनल ग्रोथ। तो हमने कहा था ग्रोथ को क्राइटेरिया नहीं माना जाएगा, लेकिन इंटरनल ग्रोथ को क्या माना जाएगा, क्राइटेरिया माना जाएगा। तो इंटरनल ग्रोथ लिखना ज़्यादा सही है एज कंपेरिजन टू ग्रोथ। हम कहेंगे इंटरनल ग्रोथ क्राइटेरिया है लिविंग और नॉन लिविंग को डिवाइड करने का, कि जिसमें इंटरनल ग्रोथ हो रही होगी वो कैसा होगा, आपका लिविंग होगा, जिसमें इंटरनल ग्रोथ नहीं हो रही होगी वो आपका नॉन लिविंग होगा। ठीक है, सिर्फ ग्रोथ नहीं कहना है, इंटरनल ग्रोथ कहना है। और कोई क्राइटेरिया जो इन दोनों को डिवाइड कर सके, लाइफ स्पान। ठीक है, लाइफ स्पान, देखिए सबसे पहले समझ रहा होगा लाइफ स्पान क्या होता है। ठीक है, लाइफ स्पान समझते हैं, लाइफ स्पान होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म की अवधि, टाइम पीरियड, यानी वो कितने समय तक जिंदा रहा, जीवित रहा। तो जीवित तो वही रहेगा ना जो लिविंग होगा, तो लाइफ स्पान भी किसकी कैटेगरी में आएगा, इसकी में। लाइफ स्पान को डिफाइन बेसिकली किया है किसके लिए, लिविंग के लिए। पहले हमको ये पता ना लगाना हो कि वो लिविंग है या नॉन लिविंग, जब हमें एक बार उसका लिविंग होने का पता चल गया तब लाइफ स्पान आता है। अगर हमें पहले से यही नहीं पता कि लिविंग है या नॉन लिविंग है तो लाइफ स्पान तो हम कह ही नहीं सकते उसके लिए। समझ रहे हैं कि हम कैसे कह देंगे जितने कितने साल तक जीवित रहा, हमें यही नहीं पता पहले वो जीवित है या नहीं है। तो पहले उसका ये पता लगाना जरूरी है कि लिविंग है या नहीं, एक बार हमें पता चल जाए कि वो लिविंग है तब उसके बाद उसके लाइफ स्पान की बात आई कि चलो लिविंग है तो ये बताओ कितने साल तक जिएगा, 10 साल, 20 साल, 100 साल, 150 साल, 1000 साल। ठीक है, मीन्स 1000 साल कहने से आश्चर्य मत होना, क्योंकि सिर्फ मनुष्यों की बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत से पेड़ पौधे आपसे 2000, 5000 साल पुराने हैं, 150, 200 साल तक आपके बहुत से पशु पक्षी जीवित रहते हैं। सिर्फ मनुष्य की बात नहीं है कि सिर्फ मनुष्य ही जीवित है, बहुत सारे हैं। क्या समझे,
तो और कोई क्राइटेरिया, रिप्रोडक्शन, चलो रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। तो रिप्रोडक्शन कैसा क्राइटेरिया होगा, मतलब क्या सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिप्रोडक्शन करते हैं, या फिर मैं ये कहूँ कि जो रिप्रोडक्शन करता होगा वही लिविंग होगा। दोनों बातों में अंतर है। पहली बात है कि सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिप्रोडक्शन करेंगे, ये बात सही है या गलत है ये बतानी है। या दूसरी बात यह है कि जो रिप्रोड्यूस कर रहा है वही लिविंग है, कौन सी बात सही है? यानी कि मैं कहना चाह रहा हूँ आपने क्राइटेरिया लगा दिया रिप्रोडक्शन का, तो ये बात तो सही है कि जो नॉन लिविंग है वो कभी रिप्रोडक्शन नहीं करेगा, ठीक है। दूसरी बात तो इससे बस ये बात तो जाहिर हो जाएगी कि जो रिप्रोडक्शन नहीं कर रहा वो लिविंग नहीं है, मतलब ये बात आप सोच सकते हैं, लेकिन मैं आपको बाद में बताऊंगा कि ये सही है या गलत है। लेकिन ये बात पक्की है कि जो नॉन लिविंग है वो रिप्रोडक्शन नहीं करेगा। लेकिन मैं ये पूछ रहा हूँ कि क्या हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन ही करेगा, मतलब कोई भी लिविंग है तो क्या उसके लिए रिप्रोडक्शन करना जरूरी है? अगर वो रिप्रोडक्शन नहीं कर रहा तो क्या हम उसको लिविंग की कैटेगरी में नहीं रखेंगे? अच्छा हाँ, वो बात अलग है कि ज़्यादातर लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिप्रोडक्शन करते हैं। क्या हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन करता है? नहीं करता। तो लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में डिफरेंस ऐसा होना चाहिए जिसमें एक्सेप्शन ना आता हो। यानी कि जैसे रेस्पिरेशन है, हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म रेस्पिरेशन करेगा, एनर्जी की नीड हर एक ऑर्गेनिज्म को है। तो हमने कहा कि रेस्पिरेशन है, क्राइटेरिया है, ठीक है। हमने कहा ग्रोथ, ग्रोथ में भी हमने कहा इंटरनल ग्रोथ होनी चाहिए। तो इंटरनल ग्रोथ क्या है कि हर एक ऑर्गेनिज्म के पास कैपेबिलिटी है कि वो अपनी सेल्स को डिवाइड करेगा, ठीक है। अब आप कहेंगे अमीबा तो सिंगल सेल का होता है, वो कैसे ग्रोथ करेगा? अमीबा क्या होता है कि एक सिंगल सेल से दो सेल्स में बट जाता है। अब एक सेल से दो सेल बन रही हैं तो क्या हो रही है? ग्रोथ हो रही है। और एक ऑर्गेनिज्म दो ऑर्गेनिज्म बना रहा है तो रिप्रोडक्शन भी हो रहा है, समझे? यानी अमीबा ग्रोथ करने के साथ साथ रिप्रोडक्शन भी करता है। अमीबा की जो प्रोसेस है, अमीबा आपका सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, इसमें क्या करता है? ग्रोथ प्लस रिप्रोडक्शन, ठीक है। ये दोनों चीजें आपकी साथ साथ चलती हैं, क्योंकि सिंगल सेल अमीबा है, ये एक अमीबा है। अमीबा की कोई डेफिनेट शेप नहीं होती, ठीक है। अमीबा की कोई पर्टिकुलर शेप नहीं है, ये अमीबा है। ये क्या करेगा? आपका बीच में से दो हिस्सों में टूट जाएगा। अब ये लो, कोई पर्टिकुलर शेप नहीं है, कैसे भी बना दो, दो हिस्सों में टूट गया। ये पेरेंटल अमीबा था, ये डॉटर अमीबा हो गए, ठीक। अब एक से दो सेल बन गए, यानी सेल डिवाइड कर रही है, इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ग्रोथ होना। हमारी बॉडी में भी ग्रोथ कैसे होती है? जब सेल डिवाइड करती है। हाँ, दो अमीबा बन जाएंगे, एक अमीबा था, एक से एक दो अमीबा बन गए, और एक से दो अमीबा बन रहे हैं। यही प्रोसेस तो रिप्रोडक्शन होती है, कि अपने ही जैसे और ऑर्गेनिज्म बनाना क्या होता है? रिप्रोडक्शन कहलाता है। और यहाँ पे सिंगल सेल था, एक ही सेल से डिवाइड कर रही है, दो सेल बन रही है, तो यही ग्रोथ है इसके केस में, और यही आपका रिप्रोडक्शन है। तीन चार नहीं बनेंगे, अनफेवरेबल कंडीशन में, ये है आपका फेवरेबल कंडीशन। अगर अनफेवरेबल कंडीशन आ जाए, यानी कि ऐसी कंडीशन आ जाए जहाँ अमीबा जिंदा नहीं रह सकता, तो अमीबा क्या करेगा कि ये अमीबा है, सपोज करो अमीबा अपने ऊपर एक लेयर बना लेता है, सिस्ट फॉर्म कर लेता है, ठीक है। इसने ये लेयर बना ली, इस लेयर के अंदर ये अमीबा छुपा हुआ है। अब क्या करेगा ये? इस लेयर के अंदर रिप्रोडक्शन करता रहेगा, यानी डिवाइड होता रहेगा, एक से दो, दो से चार, चार से छः, ऐसे बहुत सारे में। जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आएंगी, यानी इसे लगेगा कि हाँ अब बाहर का एनवायरनमेंट रहने के लायक है, तब ये क्या करेगा? इस सिस्ट को हटा देगा और खुद क्या हो जाएगा? फट जाएगा। अब फटेगा तो जब इतने सालों से अनफेवरेबल कंडीशन में रहा था, बहुत सारा डिवाइड कर चुका होगा, तो एक साथ ये 10,000, 20,000, 15,000 जितने भी, यानी बहुत सारे मिलियंस में अमीबा प्रोड्यूस कर देगा। कब? अनफेवरेबल कंडीशंस में। अगर कंडीशन फेवरेबल है तो एक से दो करेगा, और ये वाला फिर आगे जाके एक से दो कर देगा, ये भी एक से दो कर देगा, ऐसे करेगा। तो मेन में क्या बताना चाह रहा हूँ कि अगर सिंगल सेल का ऑर्गेनिज्म है तो उसके लिए ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दोनों का मतलब एक होता है। हाँ, अमीबा की कभी नेचुरल डेथ नहीं होती। भाई ये अमीबा था, दो में टूट गया, ये तो खत्म ही हो गया ना, ये थोड़ी ना बचेगा। यही अमीबा तो दो में टूट गया है, बढ़ती रहते हैं। इसीलिए कहते हैं कि अमीबा की नेचुरल डेथ नहीं होती। अमीबा कहो या फिर जितने भी सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स हैं, ये अमर होते हैं, इनकी नेचुरल डेथ नहीं होती कभी भी। क्यों? डेथ होगी नहीं, एक दो में टूट जाता है,
भाई यही अमीबा तो था पहले, एक इसमें बन गया, इसमें से और बनते रहेंगे, इसमें से और बनते रहेंगे। मरने की तो बात ही नहीं है, एक दो में टूट जाएगा बस। लेकिन अमीबा बहुत छोटे होते हैं, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में दिखाई भी नहीं देंगे, इतने छोटे होते हैं। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन की बात चल रही थी कि रिप्रोडक्शन, देखो ये बात सही है कि कोई भी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन नहीं करेगा, लेकिन बात आती है कि क्या सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिप्रोडक्शन करेंगे? नहीं करेंगे, सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिप्रोडक्शन नहीं करेंगे। देखिए मैं आपको एग्जांपल दूं, आपने नाम सुना होगा म्यूल का, म्यूल जिसे हम हिंदी में कहते हैं खच्चर। ठीक है, म्यूल क्या है? म्यूल कॉम्बिनेशन है किसका? मेल एस प्लस फीमेल हॉर्स का, इसका कॉम्बिनेशन है, समझे? यानी मेल आस और फीमेल हॉर्स, यानी कि इसको मैं लिख सकता हूं डंकी, ये लो। इन दोनों का जब हमने फर्टिलाइजेशन करा दिया, मेल डंकी का और फीमेल हॉर्स का, ठीक है, इन दोनों से जो प्रोड्यूस हुआ वो बना म्यूल। म्यूल है तो ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म, लेकिन म्यूल के पास रिप्रोडक्शन करने की कैपेसिटी नहीं है। तो क्या मैं ये कहूँगा कि अब ये रिप्रोडक्शन नहीं करेगा तो ये नॉन लिविंग है तो लिविंग ही है, तो लिविंग ही ना, लेकिन रिप्रोडक्शन करने की कैपेसिटी ही नहीं है। ये नहीं कि हम इसका मन से नहीं करा रहे, खूब करा दो, करेगा ही नहीं, कैपेसिटी ही नहीं है। इनफर्टाइल है, कैसा है? पहले से इनफर्टाइल पैदा हुआ। सिर्फ एक म्यूल की बात नहीं कर रहा, जितने भी म्यूल होंगे सारे के सारे म्यूल इनफर्टाइल होंगे। फिर ये कहेंगे कि फिर जब म्यूल इनफर्टाइल है तो और म्यूल कहाँ से आ रहे हैं? फिर और म्यूल कैसे बन रहे हैं? मन में ये सवाल आता है, तो और म्यूल कहाँ से बनेंगे इन दोनों का क्रॉस कराने के बाद? ऐसा ही होता है। ये डंकी और हॉर्स, गधा और घोड़ा, दोनों सेम क्लोज ब्रीड के हैं, एक जैसे लगते हैं दोनों देखने में। इन दोनों के ही बीच में एक ब्रीड होती है म्यूल, वो भी देखने में एक जैसी लगती है। जैसे शेर, चीता, बाघ, ये तीनों क्या है कि एक क्लोज ब्रीड के हैं ना, तीनों आसपास की ब्रीड के हैं, देखने में एक जैसे लगते हैं, डायमेंशंस तीनों की सेम है। तो इनका अगर हम क्रॉस करा दें, जो इनसे ऑर्गेनिज्म पैदा होगा वो होगा तो लिविंग ही, लेकिन वो क्या करेगा? रिप्रोडक्शन की कैपेसिटी को खो देगा। ठीक है, तो इसीलिए हमेशा रिप्रोडक्शन सेम स्पीसीज के बीच में कराया जाता है। क्यों? क्यों? जिससे जो संतान पैदा हो उस ऑर्गेनिज्म के पास भी रिप्रोडक्शन करने की कैपेसिटी हो। ये अलग अलग ब्रीड का, ये पैदा तो हो गया लेकिन इसके पास अब रिप्रोडक्शन करने की कैपेसिटी खत्म हो गई। ठीक है, इस वजह से रिप्रोडक्शन हमेशा सेम स्पीसीज के बीच में कराया जाता है, जिससे कि जो ऑर्गेनिज्म उन दोनों का मिलके बने उसके पास भी रिप्रोडक्शन करने की कैपेसिटी हो। अब म्यूल तो रिप्रोडक्शन कर नहीं रहा, तो क्या हम इसको नॉन लिविंग की कैटेगरी में डाल देंगे कि भाई म्यूल रिप्रोडक्शन नहीं कर रहा तो नॉन लिविंग कैटेगरी में रख दो? तो इसलिए रिप्रोडक्शन भी लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में डिफ्रेंशिएट करने का क्राइटेरिया नहीं है। हम रिप्रोडक्शन से सिर्फ नहीं बता सकते, हाँ इतना जरूर कह सकते हैं कि जो रिप्रोडक्शन करेगा वो लिविंग ही होगा। इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि अगर रिप्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है, कि अगर रिप्रोडक्शन प्रोसेस हो रही है तो ये पक्का लिविंग है, तो ये लिविंग है, इस बात की 100% की गारंटी है। अगर रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा, रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा, तब हम नहीं कह सकते कि ये लिविंग है या नॉन लिविंग है। लिविंग भी हो सकता है और नॉन लिविंग भी हो सकता है, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन को इस कैटेगरी के अंदर नहीं रखेंगे कि लिविंग है या नॉन लिविंग है। और कोई कैटेगरी? सेंस, जिसे हम कहते हैं कॉन्शियसनेस टाइप से कह सकते हैं। हाँ, स्टिमुलेशन देते हैं अगर किसी भी चीज को हम, इसे हम कहते हैं कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस, ठीक है, यानी कि एक्सटर्नल स्टिमुलाई के, अगर आप कोई एक्सटर्नल स्टिमुलाई देते हैं तो उसके अगेंस्ट में वो क्या करेगा? इफेक्ट शो करेगा आपको कुछ, ठीक है। जैसे कि हमारा किसी गर्म चीज पे हाथ रख जाए तो हम एक साथ हाथ हटा लेते हैं, ये क्या है कि हमारा रिफ्लेक्स एक्शन है। एक साथ एक्सटर्नल स्टिमुलाई, हमारे गर्म चीज पे हाथ रखा, हमने साथ के साथ हाथ हटा ली, ठीक है। यही चीज पेड़ पौधों में भी होती है,
ठीक है, आपने टच मी नॉट प्लांट्स के बारे में सुना होगा। टच मी नॉट प्लांट, उसमें क्या होता है कि आप जैसे ही उसकी लीव्स यानी पत्तियों को टच करोगे तो वह क्या है, वो उस उनमें क्या होता है, वो अंदर की तरफ चली जाती हैं, यानी सिकुड़ जाती हैं, मुरझा जाती हैं। हाँ, छुई मुई जिसे कहते हैं, टच मी नॉट, मुझे मत छूना, इसलिए उसका नाम है टच मी नॉट। छुई मुई के पौधे में ये होता है। और जितने भी प्लांट्स हैं उनमें भी सेम प्रोसेस होती है उनमें, लेकिन प्रोसेस हमें एक्चुअली में विजिबल नहीं होती। लेकिन जब हम किसी पेड़ को काटते हैं या उसकी किसी टहनी को तोड़ते हैं तो उसमें क्या हार्मोनल चेंजेस आते हैं। आपने देखा कहीं से पेड़ की टहनी को तोड़ो वहाँ से लिक्विड निकलने लग जाता है, यानी कि कुछ ना कुछ तो हार्मोनल चेंज हुए उसके अंदर जिसकी वजह से वो लिक्विड निकल रहा है बाहर। तो हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर कॉन्शियसनेस होती है, प्रकाश की तरफ अट्रैक्ट, ठीक है, कॉन्शियसनेस होती है। दूसरी बात है कि अट्रैक्ट होंगे लाइट की तरफ। ऐसा क्या ये सच है कि हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रकाश की तरफ अट्रैक्ट होगा? ये जरूरी नहीं कि हर एक ऑर्गेनिज्म प्रकाश की तरफ अट्रैक्ट हो। जैसे रिप्रोडक्शन में हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन करेगा जरूरी नहीं है, लेकिन हर एक वह जो प्रकाश की तरफ अट्रैक्ट होगा वो लिविंग ही होगा। ये बात सही है, ठीक है। कॉन्शियसनेस में मैं आपको और बता दूं एक और चीज, जैसे आपने कोमा पेशेंट्स के बारे में सुना होगा कि कोमा पेशेंट्स में क्या है कि वो सांस तो ले रहा है लेकिन कॉन्शियसनेस नहीं है उसके अंदर, यानी कि आप एक्सटर्नल स्टिमुलस कितना भी देते रहो वो रेस्पॉन्स नहीं करेगा एक्सटर्नल स्टिमुलस के रेस्पॉन्स में। तो फिर कोमा पेशेंट को हम लिविंग कहेंगे या नॉन लिविंग कहेंगे? लिविंग है। तो अभी इस बात पे रिसर्च चल ही रही है कि हम कोमा को कौन सी कैटेगरी में डालें, कि लिविंग की कैटेगरी में रखें या नॉन लिविंग की कैटेगरी में रखें। लेकिन अभी तक उसके अंदर कॉन्शियसनेस नहीं देखी गई है कि कोमा वाला पेशेंट क्या होता है, अपनी कॉन्शियसनेस को खो देता है, ठीक है। टोटली वो क्या होता है, मशीन्स पे सपोर्टेड होता है, मशीन की वजह से वो सांस ले रहा होगा, ठीक है। पेसमेकर उसके दिल में लगा दिया जाएगा, जिसे हार्ट, पेसमेकर क्या होता है, दिल में लगा दिया जिससे हार्ट क्या करता है, धड़कता है बीट करने के लिए, ये सारी चीज़ें। तो इस वजह से कोमा वाले पेशेंट्स को अभी तक हम पर्टिकुलरली डिफाइन नहीं कर पाए किस कैटेगरी में रखें या किस कैटेगरी में रखें, लेकिन उसको हम क्या मान के चलते हैं कि वो लिविंग ही है। दूसरा क्या टर्म यूज़ करते हैं उसके लिए, ब्रेन डेड है वो। बॉडी लिविंग है लेकिन कैसा इंसान है वो, ब्रेन डेड, जिसका ब्रेन डेड हो चुका है उसे इस कैटेगरी में रखा जाता है, ना लिविंग की में ना नॉन लिविंग की में। अगर देखा जाए तो कि किस में रखना पसंद करेंगे, तो किस में रखना पसंद करेंगे, उसे हम लिविंग की कैटेगरी में रखना पसंद करेंगे, ठीक है। तो ये क्राइटेरिया हो गया। और क्राइटेरिया कोई और हो जो लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में डिफरेंस बता सके? कौन सा, हार्ट भी? अब पेड़ पौधे के पास तो हार्ट ही नहीं होता, बहुत से ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिनके पास हार्ट नहीं होता, तो उनसे कैसे हम कहेंगे कि हार्ट बीट करेगा? ये बात भी है। डाइजेशन, डाइजेशन एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन का क्या मतलब है बताइए? डाइजेशन और एक्सक्रीशन दोनों में मतलब, आपने बोला डाइजेशन हो सकता है एक्सक्रीशन हो सकता है, तो सबसे पहले जो शब्द आपने टर्म बोला है बायोलॉजी में क्या है कि टर्मिनोलॉजी एकदम क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। जैसे आपने रेस्पिरेशन बोला था तो आप में से बहुत से लोग समझते थे कि रेस्पिरेशन का मतलब सिर्फ और सिर्फ सांस लेना होता है, लेकिन रेस्पिरेशन का मतलब सिर्फ और सिर्फ सांस लेना तो है नहीं। सांस ली उसके बाद जो ऑक्सीजन यूज़ की, ऑक्सीजन जो आपने लिया उसका यूज़ करना फूड के ऑक्सीडेशन के लिए, उसे हम रेस्पिरेशन कहते हैं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि डाइजेशन और एक्सक्रीशन जो टर्म आपने बोले हैं इनका क्या मतलब है इन्हें बता दीजिए एक बार, तब मैं कहूँगा कि हाँ आप इसे कैटेगरी में रख सकते हैं या नहीं रख सकते। हाँ, मतलब जो वेस्ट मटेरियल है उसे बॉडी से बाहर निकाल देना, इसे कहते हैं एक्सक्रीशन। और डाइजेशन का मतलब वही है कि जो हमने कॉम्प्लेक्स फॉर्म में सब्सटेंसेज लिए उनको सिंपलर फॉर्म में डाइजेस्ट करना, पचाना, इसे हम कहते हैं डाइजेशन, ठीक है। तो बहुत से सब ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो सिर्फ सिंपल फॉर्म में ही लेते हैं, तो डाइजेशन तो कैसे होगा फिर? हाँ, लेकिन एक्सक्रीशन जरूर हो सकता है। डाइजेशन को हम इतने क्लियर कट आउट नहीं कर सकते, लेकिन है लिविंग ऑर्गेनिज्म का ही फीचर, लेकिन इतना क्लियर कट आउट नहीं है। एक्सक्रीशन भी सेम यही है, ठीक है। अब आपसे मेन पूछा जाए कि कोई ऐसी प्रोसेस बताओ जिससे हम क्लियर कट कह सकें कि ये लिविंग है और ये नॉन लिविंग है,
ठीक है, तो उसके अंदर आपको लिखना होगा कॉन्शियसनेस, कि कॉन्शियसनेस सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर देखने को मिलेगी। कॉन्शियसनेस को हिंदी में कॉन्शियसनेस कहते हैं ना, कि आप कॉन्शियस नहीं हो। जैसे मैं कुछ टच कर दूं किसी को तो उसे पता ही नहीं चल रही क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। एक्सटर्नल स्टिमुलस के अकॉर्डिंग वो रेस्पॉन्स ही नहीं कर रहा है कुछ भी। टेम्परेचर चेंज हो जाए, प्रेशर चेंज हो जाए, कुछ भी हो जाए, उसे पता ही नहीं चल रही, यानी कॉन्शियस ही नहीं है वो। चेतन अवस्था में नहीं है, इसे कहते हैं कॉन्शियसनेस। दूसरा इंटरनल ग्रोथ, जो मैंने बताया था, ग्रोथ टर्म यूज़ नहीं करेंगे, इंटरनल ग्रोथ टर्म यूज़ करेंगे, कि इंटरनल ग्रोथ सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर होगी, नॉन लिविंग्स के अंदर इंटरनल ग्रोथ नहीं होगी। क्यों ग्रोथ टर्म क्यों नहीं यूज़ किया, क्योंकि जो नॉन लिविंग है उनके अंदर एक्सटर्नल ग्रोथ देखने को मिलती है, ठीक है। और रेस्पिरेशन कह सकते हैं, यानी कि एनर्जी की, रेस्पिरेशन का मतलब है कि एनर्जी की जरूरत हर किसी को पड़ती है, जो कोई भी अगर लिविंग होगा तो उसको एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। अब एक क्वेश्चन, जो वायरस है, कॉमन टर्म आजकल सभी ने सुना हुआ है, कोरोना वायरस चल रहा है, जो वायरस है इस वायरस को आप कौन सी कैटेगरी में रखेंगे, लिविंग या फिर नॉन लिविंग। वायरस के पीछे की कहानी बहुत मज़ेदार है, कि वायरस को हम लिविंग कहें नॉन लिविंग कहें क्या कहें, बताया था अभी मैंने, मैंने बताया था कॉन्शियसनेस, ठीक है। दूसरा मैं कह सकता हूँ इंटरनल ग्रोथ, ठीक है, कॉन्शियसनेस, इंटरनल ग्रोथ, ठीक है, और मैं कह सकता हूँ एनर्जी रिक्वायरमेंट, मूवमेंट को इतना नहीं लेंगे, पेड़ पौधे मूवमेंट कहाँ होते, एक जगह खड़े रहते हैं, पेड़ पौधे भी तो लिविंग है ना, तो मूवमेंट को नहीं लेंगे। लेकिन यह है कि इनको लेंगे तो इनसे हम पर्टिकुलरली कह सकते हैं कि जो इन क्राइटेरिया को फॉलो करेगा वो लिविंग ही होगा, रिप्रोडक्शन, डाइजेशन, ठीक है, ये सब हैं, लेकिन ये उतने अच्छे से डिफाइन नहीं करते। रेस्पिरेशन का मतलब एनर्जी रिक्वायरमेंट, वही है, ठीक है। या फिर हम ये कहें कि जिसके अंदर केमिकल रिएक्शंस चल रही हो, किसी लिविंग क्या होता है कि बॉडी के अंदर, हमारे अंदर कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक प्रोसेस चलती रहती हैं। मतलब कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक का मतलब होता है कि जैसे हमने कॉम्प्लेक्स फूड लिया, कैटाबॉलिक में टूट जाएगा वो सिंपलर फॉर्म्स में, अब उन सिंपलर फॉर्म से एनर्जी बनती जाएगी, सिंपलर फॉर्म में टूटा है तो कुछ कॉम्प्लेक्स भी बनेगा, ये होती है कैटाबॉलिक एनाबॉलिक प्रोसेस। तो बॉडी के अंदर क्या है कि हमारे के अंदर रिएक्शंस चलती रहती हैं, जिससे कि हमारा क्या एक होता है कि होम्योस्टेसिस मेंटेन रहती है हमारी बॉडी की, एक टेम्परेचर मेंटेन रहेगा, ठीक है। तो मैंने पूछा था वायरस, वायरस कि वायरस लिविंग है या नॉन लिविंग है, अच्छा नॉन लिविंग है। अगर वायरस नॉन लिविंग है तो आपने देखा होगा कि अब सुनने में आता है कि वायरस का इन्फेक्शन हो गया और उसके फेफड़ों में 70% लंग्स डैमेज हो गए। अब लंग्स डैमेज हो गए, इसका मतलब क्या है कि जो वायरस का इन्फेक्शन वो बढ़ रहा होगा बार 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 बार, यानी कि वायरस का क्या है, नंबर बढ़ रहा होगा, ग्रोथ हो रही है, इसका मतलब ये, यानी कि वायरस मल्टीप्लाई कर रहा है, वायरस रिप्रोडक्शन कर रहा है। तो वायरस लिविंग की कैटेगरी में आएगा या नॉन लिविंग की कैटेगरी में आएगा, बताइए। देखिए वायरस को क्या है कि लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में माना गया है, ठीक है, इसको इन दोनों के बीच में माना गया है। यानी अगर आपसे कोई पूछे कि लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के बीच में किसे माना गया है, तो वायरस को माना गया है। मतलब कि हम ये कह सकते हैं कि जो लिविंग बींग की शुरुआत है वो कहीं ना कहीं वायरस से हुई होगी, क्योंकि वायरस स्टार्टिंग में, बिल्कुल लिविंग बींग की स्टार्टिंग में। तो वायरस को दूसरा नाम क्या दिया जाता है, इट इज द कनेक्टिंग लिंक, ये कनेक्टिंग लिंक है, कनेक्ट करता है किस किस को, लिविंग और नॉन लिविंग को, इट इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। हाँ बहुत बढ़िया, वायरस बोला आपने और आपने बोला है बैक्टीरिया। देखिए बैक्टीरिया टोटली लिविंग होता है, ठीक है, बैक्टीरिया क्या होगा, टोटली लिविंग है। लेकिन वायरस क्या है, दोनों के बीच में कनेक्टिंग लिंक है। मतलब वायरस जब तक, अगर मान लो इस मेज पर कोई वायरस है या मेरे मार्कर पर कोई वायरस लगा हुआ है,
ये नॉन लिविंग है इस स्टेज में अभी तक, ठीक है। जब ये वायरस मेरे अंदर चला जाएगा, मेरे अंदर चलाने का मतलब मेरी किसी एक सेल के अंदर चला गया, जब ये वायरस मेरी किसी एक सेल के अंदर चला जाएगा तो मेरी सेल के पास है डीएनए, जिसे या फिर मैं कहूँ न्यूक्लियस है मेरी सेल के पास। वो न्यूक्लियस क्या करती है, वो न्यूक्लियस ऑर्डर देती है सेल को कि तुम ये काम करो वो काम करो, यानी कंट्रोल की पावर किसके पास होती है, न्यूक्लियस के पावर है, न्यूक्लियस की पावर पावर है न्यूक्लियस के, हाँ नाभिक जो सेल है, सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है उस न्यूक्लियस के पास पावर है सेल को कंट्रोल करने की, कि तुमको ये काम करना है तुम वहाँ जाओ, ये हो गया वो हो गया, ये सब पावर किसके पास है, न्यूक्लियस के पास, और सेल वैसा ही काम करती है। अब वायरस क्या करता है कि हमारे न्यूक्लियस पे जाकर अटैक करता है। अब न्यूक्लियस पे जाकर अटैक करेगा वायरस, यानी कि जो पावर थी न्यूक्लियस की वो पावर अब किसके पास आ गई है, वायरस के पास। जो काम पहले न्यूक्लियस कर रहा था अब उस काम को हटा के वायरस उसकी जगह ले लेता है और अपना मनचाहा काम कराता है। अब उसका काम क्या है फिर, कि और ज़्यादा सेल्स को इन्फेक्ट करना। तो वो क्या करेगा, पहले एक सेल की फिर दो, फिर आसपास के सारे एरिया को क्या करता जाएगा, इन्फेक्ट करता जाएगा। यानी कि जो होस्ट होता है, होस्ट यानी कि मैं, जिसके अंदर वायरस घुसा उसे कहते हैं होस्ट। होस्ट सेल के अंदर जाके वो क्या करता है, उसकी मशीनरी को, जो मशीनरी पहले न्यूक्लियस के कंट्रोल में थी उसकी मशीनरी को अपने कंट्रोल में ले लेगा। नहीं, उस सेल की, वो मेरी पूरी बॉडी, वायरस तो बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा, हाँ हाँ पूरी बॉडी में भी फैल सकता है या किसी पर्टिकुलर एरिया में भी रह सकता है, फैलने में टाइम भी तो लगेगा। हाँ, क्योंकि वो गले का वायरस है, उसको एनवायरनमेंट की बात होती है कि वायरस को कौन सा एनवायरनमेंट पसंद है। जो कोरोना वायरस है वो क्या है कि रेस्पिरेटरी वायरस है, यहाँ पे जाकर चिपक जाएगा, यहाँ की जो सेल होंगी उनकी मशीनरी को अपने कंट्रोल में ले लेगा और वहीं पे जाकर इन्फेक्ट करता रहेगा, बार बार डिवाइड करता रहेगा। पहले कोई चीज लगेगी जैसे इस एरिया में लग गई, अब ऐसा थोड़ी ना कि एक सेल यहाँ को इन्फेक्ट करेगी दूसरी यहाँ पे जाकर इन्फेक्ट कर देगी, नहीं, यहाँ पे सेल है तो यहाँ पे और जो सेल होंगी पहले उन्हीं को तो इन्फेक्ट करेगा, यहीं पे इन्फेक्ट करता रहेगा बहुत सारी सेल्स को, बहुत छोटा है, सेल भी बहुत छोटी है तो यहीं पे एक एरिया में क्या करता रहेगा, इन्फेक्ट करता रहेगा। अब जब यहाँ पे बहुत सारा इन्फेक्ट कर देता है गले में, गले से फिर फेफड़ों में चला जाता है लंग्स में, तो लंग्स में जाकर क्या बनाता है, जाल बना लेता है। लंग्स में जाल बना लेगा तो लंग्स को कर देगा ब्लॉक, ब्लॉक कर देगा तो हम रेस्पिरेशन प्रॉब्लम हो जाएगी, हम सांस नहीं ले पाएंगे, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी बॉडी के अंदर। इंसान ऑक्सीजन की कमी से नहीं मरता, इंसान मरता है कार्बन डाइऑक्साइड की ज़्यादा हो जाने से। फिर बता दें, अगर आप लोगों को लगता है कि हम ऑक्सीजन की कमी हो गई बॉडी के अंदर इसलिए हम ऑक्सीजन ले लें, नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा बढ़ गई बॉडी के अंदर इस वजह से ऑक्सीजन लेते हैं। मेन काम ऑक्सीजन लेना नहीं है रेस्पिरेशन का, मेन काम है CO2 को बाहर निकालना। CO2 बाहर निकालते हैं इस वजह से ऑक्सीजन अंदर जाती है। वो तो उसी में रह जाएगा फिर, कौन, वायरस, इंसान तो मर गया तो मर गया, फिर कैसे जीवित होगा, वायरस तो जीवित ही नहीं है, मरेगा तो वो जो जीवित होगा बॉडी से बाहर डेड, फिर कोई लिविंग बॉडी मिल जाएगी दूसरी, उस पर चिपकते ही लिविंग हो जाएगा, वायरस जल जाएगा उसी के साथ। ये मरेगा तो वो ना जो जीवित हो पहले, वायरस तो ना जीवित है ना मरा हुआ है। अगर लिविंग बॉडी से अटैच हो जाएगा तो लिविंग बन जाएगा, किसी डेड बॉडी से अटैच है यानी कि नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट से अटैच है तो नॉन लिविंग है वो। कोरोना सेम वही तो चल रहा है, हाँ तो उसके अंदर कोरोना वायरस है, क्यों जाएगा, उसे तो अपना वो चाहिए, सेल चाहिए, और सेल जिस सेल में रह रहा है उसकी मशीनरी को होस्ट करता रहेगा, वो अपना मन चाह काम करेगा उसकी बॉडी के अंदर, क्या हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएंगे ऐसा। अरे तो बैक्टीरिया जो वायरस है उसके पास पावर है, इधर से उधर घूमता रहेगा अपना, उड़ता रहेगा ऐसे ही वैसे, तुम सांस ना ले लेकिन हवा तो जा रही है उसकी बॉडी के अंदर, चलता रहेगा ऐसे, ठीक है। तो पता चला वायरस क्या है, वायरस ना तो लिविंग है ना ही नॉन लिविंग है। वायरस को हम कहेंगे सिंपली कनेक्टिंग लिंक है, किसके बीच में, लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में, यानी कि जब लिविंग बॉडी के साथ होगा तो लिविंग बन जाएगा, जब नॉन लिविंग बॉडी के साथ होगा तो नॉन लिविंग बन जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत, अब प्रॉब्लम तो ना है लिविंग और नॉन लिविंग में कोई, हाँ हाँ वायरस हो जाएगा, फंगल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, प्रोटोजोआ, सारी की सारी डिसीज हो जाएंगी, अपने आप बॉडी सड़ने गड़ने लग जाएगी, फिर तो वायरस क्या बहुत सारे इन्फेक्शन और भी हो जाएंगे। तो
नहीं होता है, एक बैक्टीरिया आता है जिसे कहते हैं बैक्टीरियोफेज, लेकिन वायरस को खा के कौन करेगा भी क्या कोई, वो तो लिविंग ही नहीं है, सिर्फ एक प्रोटीन का कोटिंग होती है जो ऐसे ही पड़ी हुई है, प्रोटीन की कोटिंग है सिर्फ, और कुछ नहीं है, प्रोटीन है और कुछ भी नहीं है, बस एक कोटिंग है प्रोटीन की जो ऐसे ही पड़ी हुई है, ऐसे पड़ी हुई है नॉन लिविंग है, जैसे किसी लिविंग बॉडी के कॉन्टैक्ट में आएगी उसकी सेल के अंदर चली जाएगी, लिविंग हो जाएगी, बस और कुछ ना, बस यही ठीक है। तो आज मैंने आपको बताया लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, ठीक है। यानी कि जो चैप्टर था लाइफ प्रोसेस, इसमें लाइफ का पता होना बहुत जरूरी था, लाइफ का मतलब कौन लिविंग है और कौन नॉन लिविंग है, इस चीज़ का पता होना, किस बेसिस पे हम उन दोनों को डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है। कल से हम आपका लाइफ प्रोसेसेस में यानी प्रोसेसेस पढ़ेंगे कि कौन कौन सी प्रोसेस हैं जो लाइफ के लिए ज़रूरी हैं, यानी कि जिनके बिना लाइफ चल नहीं सकती, जिनके बिना कोई भी लिविंग लिविंग नहीं रहेगा, ऐसी प्रोसेसेस को हम लाइफ प्रोसेसेस कहेंगे, ठीक है।